नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कर्क लग्न में कैसा होगा आपका जीवन साथी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सबसे पहले हम बताएं कर्क लग्न से आपको कुंडली में अगर लग्न से यानी प्रथम भाव से सप्तम भाव जो है वो जीवन साथी के बारे में बताता है। शनि की शुभ स्थिति ही सफल दाम्पत्य जीवन का आधार होगा। शनि जब स्वराशि का होकर सप्तम भाव में ही हो तो पंच महापुरुष सस नाम का राजयोग होता है या बनता है। इस योग से जातक का जीवन साथी सांवले रंग का होगा, वह व्यापारी या कोई महत्वपूर्ण पद पर भी हो सकता है। आपको हम बताते हैं चतुर्थ लग्न यानी कर्क लग्न के बारे में। विप्रवर्ण स्त्रीलिंगी जल तत्वी यह एक शुभ लग्न है। ज्योतिष शास्त्र में इसे राजयोग लग्न माना जाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि चारों केंद्र स्थानों में किसी न किसी ग्रह जो है वो उच्च राशि का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भी जन्म कर्क लग्न में ही हुआ था। अधिकतर राजनीति व्यक्ति को आप देखे होंगे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सुशोभित हैं, नेता लोग, उनका भी कर्क लग्न ही देखा गया है। आपको अब हम वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। 90% मामलों में ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता, 10% को अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं। शनि यदि किसी भी प्रकार से दशम भाव को प्रभावित कर रहे हों तो सामान्यतः स्थिति संसार की दृष्टि में तो आदर्श रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर जातक दुखी रहता है। स्थिति स्वभाव से थोड़ी तेज हो सकती है, किंतु जातक भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि के साथ मंगल अथवा गुरु की अगर युति है तो शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न करती है, और ये युति अष्टम भाव में हो तो हालत अधिक चिंताजनक होती है। इन जातकों के लिए कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक है। ये लग्न वैसे ही अल्प संतान का कारक है, अतः ऐसे कुंडली मिलान के समय संतान भाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है। इस लग्न के लिए व्यक्तियों को शनि व गुरु के स्वामित्व वाले लोगों से जैसे मकर, कुंभ, धनु, मीन लग्न या राशि वाले व्यक्तियों से विवाह संबंध करने से बचना चाहिए। आप इनको नोट कर लीजिएगा, प्लीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कर्क लग्न वालों के साथ ही अगर शादी हो तो अत्यंत ही प्रगाढ़कारी और लाभकारी होता है। 100% कर्क राशि वालों के सफल वैवाहिक संबंधों में 100% कर्क राशि वालों से ही शादी होता है, इसलिए ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। इनको उम्र में बड़े साथी से संबंध से बिल्कुल भी बचना चाहिए। एवं क्या है, सम हो तो यानी हम उम्र हो तो ठीक है, और उम्र से अगर अधिक छोटा साथी है तो भी स्वीकार करने से बचना चाहिए। इस लग्न के लोगों का किसी विधवा से संबंध भी अत्यंत सफल होता है। हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा है। कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में हो तो उसका जीवन साथी अध्यात्म और दर्शन की ओर अधिक ध्यान देता है, जिस कारण परिवार के लिए कम समय देता है। अकेला शनि अगर अष्टम भाव में, वैसे तो पति को दीर्घायु लेकिन रोगी शरीर का स्वामी कर सकता है। सप्तम भाव में गुरु दाम्पत्य भाव के लिए उलझने बढ़ाता है। प्लीज सतर्क।